मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मम्मी कैसा रहा है, पूछिए डुंगर। बहुत खतरनाक हुआ। क्या खतरनाक हुआ? तो हम यहाँ पे भुजिया डूंगर पर आ चुके हैं और अच्छा एक ऑटो रिक्शा वाला अच्छा मिला था, 70 रुपये लिए उसने शरद बाग पहले से, लेकिन ये ऊपर तक यहाँ तक छोड़ने के लिए आया था। अभी हमें थोड़ा इतना ही चढ़ाई करनी है और ऊपर जो दिख रहा है वो वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ मंदिर है, नागदेव का मंदिर है और नीचे अमरनाथ का मंदिर है एक, वो ज़्यादा टाइम देखेंगे अगर अंधेरा नहीं हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। और एक और यहाँ पे टेंपल है लेकिन वो अभी बंद है, तो चलिए चलते हैं। तो रास्ता थोड़ा संभल संभल के जाना पड़ेगा, बाकी सब सही है। अभी क्या है टाइम, अभी 5:20 हो चुके हैं। सो ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं करते क्योंकि ऊपर तक पहुंचना है और ऊपर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मम्मी भी है और मुझे भी ये दिक्कत होने वाली है। काफ़ी रास्ता यहाँ पे चक्कर आए वैसा है, दोनों साइड कुछ है नहीं और दोनों तरफ का ही है, तो किसी को भी डर लग सकता है। और थोड़ा मम्मी थक भी गई है तो मम्मी यहाँ पे वेट कर रही है, मैं ज़रा ऊपर जा रही हूँ। काफ़ी सांस फूल रही है। ये देखो अंकल कितनी जल्दी फास्ट आ रहे हैं। टूरिस्ट हो या फिर पूछ के ही हो? जल्दी पहुंच जाए तो जल्दी थकान उतरने लगे ना। हाँ अच्छा, चलो पहुंच रहे। जय भूजन दादा, नाग देवता है, बजरंगबली है और गणेश जी है। जय नाग देवता की। चलो आपको परिक्रमा करवा दे। एक्चुअली परिक्रमा राइट से लेफ्ट होती है। रास्ता जाता है वहां पे, और ये भूज है प्यारा सा भूज। मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी देखा सही मम्मी ने, यहाँ से देखा तो कितना पास में दिखता है वो मंदिर, लेकिन आपने देखा ही वीडियो में कितना दूर है। तो ये है भूज, काफी हवा चल रही है इस साइड, तो देखिए ये
मम्मी को पूछते हैं कि मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मम्मी कैसा रहा, पूछिए डुंगर। बहुत खतरनाक हुआ। क्या खतरनाक हुआ? मैं मारुति चढ़ाई हूँ ना ऊपर, जो ही चक्कर आई गया। आधे तक आए, फिर वो मैंने बताया था वहाँ तक, फिर चक्कर आ सकता है वैसा था, तो मम्मी चढ़ी नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू मिला, राइट? हाँ। पूरे भूज सिटी का। हाँ। तो भाई ये है ऊपर नाग देवता का मंदिर, और पीछे वो झंडा है, वहाँ तक मैं जाके आई। अभी हम वापस जा रहे हैं, अभी ऑटो पता नहीं आगे रास्ते से मिलेगा हमें, यहाँ से जाना है। जैसे मैंने बोला था ऑटो वाला ने हमें वहाँ तक छोड़ा था, अभी हमें शहर में जाने के लिए नीचे से ऑटो मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसने हमें ऊपर तक पहुँचा दिया, वरना ये चढ़ाई करते करते थक जाते। तो इतना ईजी भी नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ऊपर के जो 30 सीरीज़ है ना, वहाँ पे रेलिंग की वजह से वो थोड़ा ख़तरनाक है, वरना आसान है। और वहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई भी है, पूरे सीढ़ियाँ ऐसी है, तो नीचे उतरने में भी थोड़ा डर लगता है, और ऊपर चढ़ने में तो सांस तो फूल लेती ही है, लेकिन नीचे उतरने में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बाकी सही है। ये राम अमरनाथ महादेव मंदिर, पता नहीं ये खुला भी है रहता है या नहीं, अभी तो बंद है, हम आए थे तभी भी बंद था। ये स्वामीनारायण का नया मंदिर बना है भुज में, और काफी बड़ा मंदिर है। ये इसका एंट्रेंस गेट है, और एंट्रेंस के बाजू में आपको यहाँ पे पुस्तकालय मिल जाएगी, यहाँ पे जो भी पुस्तक वगैरह स्वामीनारायण धर्म के हैं वहाँ पे मिल जाएगी, और इस तरफ स्नैक्स कॉर्नर है, और बाकी सब आप यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है यहाँ पे, तो आप रह सकते हो। चलिए मंदिर में चलते हैं। चले अभी यहाँ से मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मंदिर में शूट करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप मंदिर पहले देख लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं। बेल खाई जा रही है यहाँ पे, एक फेमस जय जलाराम सेव वाला है यहाँ पे। मैंने बहुत भीड़ देखी तो मैंने सोचा यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं, तो ये सिर्फ बेल ही बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं सूखी बेल, इसमें कोई चटनी पटनी नहीं है। और मम्मी को काफी अच्छी लगी, कैसी है मम्मी? अच्छी है, अच्छी अच्छी है, सही है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, जय जलाराम सेव वाला कच्छ म्यूजियम के बिल्कुल सामने ही है। मुझे बेल काफी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं इस बेल में क्या क्या डाला जाता है वो ही जान ले। ये ऐसे प्लेट बनाते हैं ये लोग, और इसमें 25 आइटम डालते हैं बाद में। भाई जी आप बताओगे कौन कौन सी आइटम में डालते हैं? मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए। 25 आइटम है ये सूखा बेल है, भूज का कच्छ का फेमस बेल है। सारी प्लेट रेडी करके फिर उसमें मसाला डालते हैं। Yeah.
टमाटर गए रे, टमाटर है, ये कैप्सिकम मर्चा है, कैप्सिकम डाल रहे हैं। हाँ ये प्याज है, इसमें चार आइटम भी गए, चार आइटम भी गए हैं। प्याज धनिया, प्याज धनिया और अनार, अनार अनार ये बटेटा है, गार्लिक बटेटा, पोटेटो, गार्लिक पोटेटो है ये, गार्लिक पोटेटो। ये सारी सामग्री आप ही बनाते हो? हाँ मेरी बीबी बनाती है, मेरी बीबी बनाती है। और ये क्या डाला आपने? ये दाबेली का दाना, 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 सिंग, 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 पीनट, स्वीट कॉर्न, पीनट्स ना, पीनट्स, ये, हाँ, ये स्वीट कॉर्न। और सबसे मेन चीज और ये हो गया। अरे जी आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम रोबिन ठाकर है। नमस्ते सर, रोबिन ठाकर मेरा नाम है। ये चॉकलेट बेल है, चॉकलेट बेल चीज और ऊपर चॉकलेट डाली है। चॉकलेट, चॉकलेट का हम भी छोटे आदमी है लेकिन ब्रांडेड आइटम यूज करते हैं हर चीज का। ये स्ट्रॉबेरी है, ये भी हर चीज का है। आप यहाँ पे आए होते और ये पाइन एप्पल हो गया ऊपर और से सब कई तरीके की ये सूखी बेल बनाते हैं। वो मैंने फोटो आप देख रहे हो ना, वो सारी बनेगी। सर जी आपका वाइफ का नाम बोल दीजिए। रोबिन ठक्कर नाम है मेरा। और आपकी वाइफ का नाम? का नाम मेरा वाइफ का नाम है कृतिका ठक्कर। ये मेन्यू है, ये है, मैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं फोटो रख दूंगी। चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज द वर्ल्ड इज योर टू एक्सप्लोर।